गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, मतलब किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन पोटेंशियल उस ड्रग के बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे किस तरीके से इफेक्ट दिखाता है, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन इस चैप्टर के अंदर। अगर हमें ड्रग का आयोनाइजेशन उस ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर किस तरीके से इफेक्ट दिखाता है ये पढ़ना होगा, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि आयोनाइजेशन मतलब क्या रहता है। सो आयोनाइजेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज डिफाइन एज एनी प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्रग मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकली चार्ज मॉलिक्यूल। मतलब कोई भी न्यूट्रल ड्रग मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद उस पर कोई चार्ज आता है या फिर वो कोई चार्ज बियर कर लेता है, तो वो जो प्रोसेस रहेगी कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रल ड्रग मॉलिक्यूल इनटू द चार्ज मॉलिक्यूल, उस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहेंगे। उसी वो तो आयोनाइजेशन जो रहेगा ड्रग का वो किस चीज़ पर डिपेंड रहता है, तो बेसिकली आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग ये दो चीज़ों पर डिपेंड रहता है। एक तो हमारे बॉडी का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का पीएच और ड्रग की पीके वैल्यू, उसे ही हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ड्रग कहते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ड्रग अगर हमको पता करना होगा, अगर उसे कैलकुलेट करना होगा, तो हम हैंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन यूज करते हैं। बेसिकली ड्रग के नेचर के अनुसार कि वो एसिडिक के नेचर है या बेसिक इन नेचर है, यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन यूज करके हम उस ड्रग के पीके वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ड्रग एसिडिक इन नेचर रहा तो उसके लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे जो कि है पीएच इज इक्वल टू पीके ये प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अनआयोनाइज्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। और अगर बेसिक ड्रग बेसिक इन नेचर है तो हम यूज करेंगे पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड आयोनाइज्ड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो ये इक्वेशन का यूज करके हमें ड्रग की जो पीके वैल्यू है वो मिल जाएगी, और हमारे बॉडी का जो पीएच रहता है उसके जो वैल्यू है वो तो हमारे पास है ही। और जीआई ट्रैक का अगर हम पीएच के बारे में सोचते हैं तो जीआई ट्रैक में हमें अलग अलग रीजन पर अलग अलग पीएच वैल्यू मिलती है। तो किस तरीके से जीआई ट्रैक का पीएच और हमारे ड्रग की पीके वैल्यू इसमें रिलेशनशिप है वो हम अब पढ़ेंगे। देखो ड्रग का आयोनाइजेशन कब होगा, जब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का पीएच और ड्रग की पीके वैल्यू ये मैच हो जाएगी, तो उसी वक्त वो जो ड्रग है वो आयोनाइज फॉर्म में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो हमारे जीआई ट्रैक का पीएच है सपोज 3 और हमारे ड्रग की पीके वैल्यू भी है 3, तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक रीजन में 3 पीएच वाला एनवायरनमेंट या फिर रीजन स्टार्ट होगा, तो ये ड्रग वहाँ पर पहुँचने के बाद आयोनाइज हो जाएगा। अगर ड्रग का आयोनाइजेशन वहाँ पर होता है तो ड्रग की जो एक्वायर सोलिबिलिटी है या फिर हाइड्रोफिलिसिटी है वो वहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जो ड्रग के नेचर रहते हैं उस बेसिस पे ड्रग की प्रोबेबल पीके वैल्यू क्या रहेगी, उसके लिए ये यहाँ पर 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। देखो अगर ड्रग स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर रहेगा तो उसकी जो पीके वैल्यू रहेगी वो लो रहेगी। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक जो ड्रग है ये स्टमक में आयोनाइज होगा, क्योंकि अगर ड्रग की स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी है उसकी पीके वैल्यू लो है तो हमारे जीआई ट्रैक के अंदर हमें लो पीएच जो रहेगा वो स्टमक में मिलेगा, क्योंकि स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है। तो ये जो ड्रग रहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर या हमारे स्टमक के अंदर आयोनाइज होंगे। उसके बाद में अगर ड्रग वीक एसिडिक इन नेचर रहता है तो इनकी जो पीके वैल्यू रहेगी वो हाई रहेगी, और ये जो ड्रग रहते हैं ये आयोनाइज होंगे हमारे टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचेंगे ये वाले ड्रग तो वो वहाँ पर आयोनाइज होगी। स्ट्रॉन्ग जो बेस रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस इंटेस्टाइन में आयोनाइज हो जाएंगे, और वीक जो बेस रहेंगे ये जो वीकली बेसिक जो ड्रग रहेंगे
वो जो है ना वो कम मात्रा में आयोनाइज होते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन वहां पर अच्छी तरीके से हो पाता है। तो ड्रग का आयोनाइजेशन किस चीज पर अफेक्ट करता है, तो ड्रग का आयोनाइजेशन जो रहता है ना वो ड्रग की सोल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन, ये जो दोनों प्रोसेस है उस पर अफेक्ट करता है। किस तरीके से, अगर ड्रग का आयोनाइजेशन ज्यादा मात्रा में होता है तो वहां पर ड्रग की जो हाइड्रोफिलिसिटी है या फिर एक्वायर सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी जो लिपोफिलिसिटी है या फिर उसे ही हम हाइड्रोफोबिसिटी कहेंगे वो वहां पर कम हो जाती है। तो हमें ड्रग जब भी हम डिजाइन करेंगे तो इस तरीके से डिजाइन करना है कि उस ड्रग का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो वहां पर मेंटेन रहे, मतलब उसका ज्यादा आयोनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और वो कम्प्लीटली अनआयोनाइज फॉर्म में भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक जनरल कंसिडरेशन ऐसा है कि अगर ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है तो वो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है, क्योंकि उसकी जो लिपोफिलिसिटी है वो वहाँ पर अच्छी रहती है, और अगर ड्रग लिपोफिलिक इन नेचर होगा तभी उसका एब्जॉर्प्शन वहाँ पर होना पॉसिबल है। तो ऐसे कौन से कैटेगरी के जो ड्रग है जो अनआयोनाइज फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, तो अगर ड्रग वीक एसिडिक और वीक बेसिक इन नेचर है तो प्रोबेबली ये जो ड्रग है ना ये ड्रग हमारे जीआई ट्रैक के अंदर अनआयोनाइज फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, तो इन ड्रग का वहाँ से एब्जॉर्प्शन होना पॉसिबल है। इसीलिए हमारे जो 90% ड्रग है वो वीक एसिडिक और वीक बेसिक इन नेचर है। तो हमने ये तो जान लिया कि आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या रहती है, फिर ड्रग का आयोनाइजेशन किस चीज़ पर डिपेंड रहता है, उसके बाद में हमारे जीआई ट्रैक का पीएच और ड्रग का पीके इसमें क्या रिलेशनशिप है, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि अगर ड्रग का आयोनाइजेशन होता है तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आता है। तो देखो हाउ आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अफेक्ट ऑन इट्स बायोलॉजिकल एक्शन। इफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग रिजल्ट फ्रॉम आयन, दी एक्टिविटी इंटेंसीफाई विथ इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हाउ एवर इफ एक्टिविटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल रिजल्ट फ्रॉम द अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल इंक्रीजेस इन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सच अ कंपाउंड कैन कॉजेस डिक्रीज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब अगर किसी ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो अनआयोनाइज फॉर्म में हमें वहां पर मिलती है, तो अगर उस ड्रग का आयोनाइजेशन हो जाता है वहां पर तो उस ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो वहां पर हमें कम मिलेगी। जैसे कि देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, एक अनआयोनाइज और आयोनाइज ड्रग के, एक ही ड्रग के। तो इस ड्रग की अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो अनआयोनाइज फॉर्म में हमें मिलती है और इस ड्रग का वहाँ पर आयोनाइजेशन हो जाता है, तो इस केस में होगा क्या, इस ड्रग की जो एक्टिविटी हमें इस ड्रग के न्यूट्रल या फिर अनआयोनाइज फॉर्म में मिलने वाली थी वह हमें इस ड्रग के आयोनाइज फॉर्म में नहीं मिलेगी, तो इस केस में इस ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो वहां पर कम होगी। और कंप्लीटली इसके अपोजिट है, अगर किसी ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी उस ड्रग के आयोनाइज या फिर चार्ज फॉर्म में मिलती है, अगर उस ड्रग का वहां पर आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है तो उस ड्रग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगी वो वहां पर हमें मिलेगी या फिर बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रग का जो आयोनाइजेशन रहता है वो उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है। अगर किसी ड्रग का आयोनाइजेशन हमें मेंटेन करना हो या फिर किसी ड्रग का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम या ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हमें ड्रग की जो पीकेए वैल्यू है तो ड्रग की पीकेए वैल्यू अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब हमें ड्रग को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि उस ड्रग की जो पीके वैल्यू है वो हमारे जीआई ट्रैक के अंदर आसानी से मैच ना हो, तभी जाकर वो ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट रह सकता है। अगर किसी ड्रग का हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करना है तो उस ड्रग में हमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे जो फंक्शनल ग्रुप हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद आसानी से आयोनाइज हो सके।
तो उस केस में हम वहां पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अमाइन फंक्शनल ग्रुप ऐसे है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस केस में हम अगर ड्रग का आयोनाइजेशन वहाँ पर बढ़ाना है तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप का वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से ये जो आयोनाइजेशन है ड्रग का, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर अफेक्ट करता है।